हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है ट्रायंगल्स। आई होप यू विल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स। क्वेश्चन नंबर फोर है ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। तो ए बी सी एक ट्रायंगल खींच दिया पहले। ये ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट सी है तो राइट एंगल एट सी कर दिया। आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगा। ये राइट एंगल के सामने वाला अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होता है, वो सबसे लार्जेस्ट है, इसलिए इसको कंसीडर करना ही नहीं है। ये बराबर हो ही नहीं सकता दूसरे साइड का, तो साइड ये बी और सी और ए और सी दोनों इक्वल है क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। ठीक है, तो गिवेन है मेरे पास इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए सी इक्वल टू बी सी, सिंस ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। है ना, ये दिया हुआ है, ये आइसोसेलिस है, इसलिए ये दोनों बराबर है। टू प्रूफ कर क्या करना है, टू प्रूफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। अब इसमें हम क्या देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ये ए बी स्क्वायर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के सम के। तो अब चूंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में ए सी बी सी के बराबर है, इसलिए बी सी स्क्वायर के जगह पर ए सी स्क्वायर लिख देंगे, आराम से ये सवाल बन जाएगा। साधारण सवाल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो लिख देंगे प्रूफ में बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये हाइपोटेनियस है, ये बी है और ये पी है। ठीक है, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो उसी के हिसाब से इसमें डाल देंगे ए बी स्क्वायर, एच के जगह पर डाल देंगे ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ए बी स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे और ए सी स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमको प्रूफ में ए सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर लाना है, और बी सी स्क्वायर के जगह पर ए सी स्क्वायर लिख देंगे। क्यों, सिंस बी सी इजकल टू ए सी गिवेन है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इजकल टू 2ac स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, इसी का रिवर्स क्वेश्चन है दूसरा। ठीक है, ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल विथ ए सी इक्वल टू बी सी इफ ए बी स्क्वायर इजकल टू 2ac स्क्वायर। इसमें ए बी स्क्वायर इजकल टू 2ac स्क्वायर प्रूफ करना था, इसमें दिया हुआ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, प्रूफ दैट द ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मान लिया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है इसको। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, अभी ऐसा मानते हैं कि अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, हमको प्रूफ करना है। तो ये है ए बी सी। ठीक है, अब इसमें गिवेन क्या है, इसी सवाल का अपोजिट सवाल है, उसी का कन्वर्स सवाल है। गिवेन है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी बी सी इजकल टू ए सी एंड ए बी स्क्वायर
इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये दिया हुआ है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ABC ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अभी राइट एंगल नहीं मानते हैं इसको, अभी कोई भी एंगल मानते हैं, लेकिन प्रूफ करना है कि ये सी 90 डिग्री है। तो इसमें लिखेंगे प्रूफ में सिंस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, सिंस AC इज इक्वल टू BC, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है गिवन में BC इज इक्वल टू AC, तो AC इज इक्वल टू BC गिवन है। ठीक है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब इससे लिख देंगे हेंस बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल AC B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर दो साइड परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर, कन्वर्स में क्या है, अगर दो एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इफ द स्क्वायर ऑफ ए साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स द ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, तो इसे कह दे सकते हैं इसलिए हेंस बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ये दोनों है, आसान है क्वेश्चन, पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है पहले क्वेश्चन में, जो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P और B दोनों बराबर है इसलिए 2AC हो गया। इसमें इसमें दिया हुआ है क्या, जो एक ट्रायंगल है जिसका दो साइड का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो प्रूफ कीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स।